हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय सोमनारायण। मस्त सुबह हो गई और मैंने पूजा भी कर ली है भगवान की मस्त, और मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे मम्मी भी रेडी होकर खड़े हैं। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। अरुण मास पूरा थई गयो ने? हाँ जी, आज पूरो। आज समाप्त। હવે શું શરૂ થશે? માઘ માસ ચાલુ થાય 25 તારીખ થી। માઘ માસ માં શું હોય? માઘ માસ માં માઘ માસ નાય ને તો ગમે એવા પાપ હોય ને તો બળે ભસ્મ થઈ જાય, બહુ મહિમા છે। અને સમુદ્ર માં નાય તો વધારે થી વધારે ફળ મળે। સમુદ્ર નો હોય તો તળાવ નદી, એનો હોય તો કુવાનું, એનો હોય તો ડંકી, એનો હોય તો માટલા પાણી નાય ને તો એ અતિ ઉત્તમ ફળ એનું મળે છે। એક મહિનો માસો ઉપવાસ કરે ને એટલું ફળ, માઘ માસ પાણી એના એટલું ફળ મળે છે। એક મહિનો આખો મહિનો પાણી પીને ઉપવાસ કરીએ કે કોઈ અત્યારે ન થાય તો એટલું ફળ એક મહિનો માઘ માસ નાવાથી એટલું ફળ મળે છે। એટલે માઘ માસ નાવો સારું જ ને આપડે, અને ગમે એવો રોગ હોય તો નાબૂદ થઈ જાય। શરદી ઉધરસ ગમે એવું હોય, પગ દુખતા હાથ પગ તો એ સારું થઈ જાય, એટલો માઘ માસ નો મહિમા મહારાજે કહ્યો છે। અને વિશ્વાસ શ્રદ્ધાથી નાય તો કરો તો બધો રોગ મટી જાય। તમે કેવી રીતના માઘ માસ સ્નાન કરવાના? નવું માટલું લઈ આવ્યા છે, એ હાંજે માટલું ભરી લેવાનું, અંદર કાળા તલ નાખવાના શક્તિ, અને ઈ પાણી સવારે તારલા હોય ને ત્યાં નાઈ લેવાનું। ઈ માટલું ક્યાં મૂકવાનું? ઈ માટલું ફળિયા મૂકવાનું, અને ઠંડુ પાણી થાય સવારે પાણી નાઈ લેવાનું ફળિયામાં, બહુ મસ્ત પાણી ઠંડુ થઈ જાય। અને ઈ પાણી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નાભી માંથી નીકળે સ્વામિનારાયણ નો, ઈ પાણી થી આપડે નાવાનું છે। હર બાર મે ઓર મમ્મી પપ્પા તીનો માખ સ્નાન કરતે નહીં, નયા માટલા લેતે ઓર કે રાત કોઈ ફળી મેં ભર કે માટલા રખના પડતા હે, ઓર સવેરે સવેરે મોર્નિંગ મેં 5 બજે ઉસ પાણી સે ઠંડા પાણી સે નાના હે, તબ જાકર નાભી મેં સે ભગવાન કા નામ નીકળતા હે, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ। ઇસ તરહ સે માખ સ્નાન હે, 4-5 દિવસ કે બાદ માખ સ્નાન શરૂ હોને વાલા હે, તો દેખતે હે નાના યા નહીં નાના હે। મમ્મી તો નાય ગે, મેરા મેં સોચતી હું ક્યુકી બહુ જ્યાદા ઠંડી હે ને તો કભી કભી સોચ મેં પડ જાતે ક્યા કરે નાય યા નહીં નાય એમ, તો ચલો આગે દેખતે હે ઓર નાયેંગે તો આપકો બતાયેંગે એમ નહીં મમ્મી। તો ચલીએ અબ ચલતે મંગળ આરતી કરને કે લીએ। જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ। हेलो फ्रेंड, ऑलरेडी मैं किचन में हूँ और यहाँ पे मम्मी ने मस्त भाग के काटा गूंद लिया है। कंजर मन बोल रहे यार, यहाँ पे ताड़ी भी रख दी साइड में, पापा आ रहे हैं नाश्ता करने के लिए, नहीं इसलिए ऑर्डर है वो ना भाग बना वाली है उसे। और यहाँ पे चाय भी उबल रही है पापा के लिए, और यहाँ पे सवेरे पॉपकॉर्न कर रही हूँ, विशाल को नाश्ते में लेकर जाना है इसलिए। यहाँ पे मैंने मकाई भी ले ली है, तो चलिए मैं पॉपकॉर्न कर लेती हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने भैया के लिए भाखरी बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। दही ने भी भाखरी करी। ओके ओके। और यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न मस्त फोड़ लिए है, और यहाँ पे पापा भी बैठ गए नाश्ता करने के लिए। पापा जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। यहाँ से भी पापा नाइट खुले नहीं होगा, तमाती वेला तमे उठा, तमे नाश्तो नहीं करो कहीं, મમ્મી દેખ રહે પપ્પા કો નાસ્તા કરતે હુએ, પપ્પા નાસ્તા કર રહે। મમ્મી આપકો નાસ્તા નહીં કરના હૈ? મહારાજ પાચન છે। ઓ માય ગોડ, પાચન છે, ઓકે। તો બચે અમે ઓર વિશું, તો ચલીએ અમે લોગ નાસ્તા કર લેતે હૈ। यहाँ मम्मी ने काम शुरू कर दिया है, नाश्ता कर लिया ने? लाडू खाई ली थी। लाडू बताला बनाया, मम्मी ने मस्त नाश्ता कर लिया ने मम्मा,
और यहाँ पे मम्मी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। तो चलिए मैं भी मेरा काम शुरू कर देती हूँ। तो वापस मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने झाड़ू निकाल लिया है और ये हमारा विशाल भी किचन में आ गया, इसलिए उसके पीछे पीछे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मम्मी ने तावड़ी रख दी है विशाल के लिए, भाखरी बना रहे हैं। हम सबने तो नाश्ता कर लिया है। तो चलिए आज मैं मम्मी से पहले काम में फ्री हो जाऊँ ऐसा लगता है, क्योंकि मम्मी अब किचन में है तो मैंने झाड़ू निकाल लिया है, तो पोता लगाना बाकी है। तो चलिए देखते हैं आज कौन है। नहीं वो आपका काम है, तो आज देखते हैं कौन पहले फ्री होता है, तो बाद में एंड में दिखाएंगे। अब तो मैं मम्मी के आगे ही काम में हूँ और बाद में पता चलता है कहाँ पे है कौन। नहीं मम्मा कि मुझे बीच में काम बहुत ज्यादा आ जाता है ना, इसलिए हो जाता है। चलिए फ्रेंड काम करके हम फ्री हो गए हैं और मम्मी किचन में, तो डायरेक्ट हम किचन में चलते हैं। मम्मी बोलो क्या कर रहे हो? यहाँ पे मम्मी ने चावल के आनंद भी रख दिया है उबालने के लिए। और कौन आने वाला है आज? किंजल और दर्शक आवाना थे। ओके कुछ मजा आशे पाचे। हाँ थोड़ा मजा आ रहा। आज कौन काम करके वेले फ्री हो गए थे? आज हीराने फ्री थी गई थी वेले। हाँ बहुत बड़ी थी गई कपड़ा ज्यादा था। यस आपका मैंने वीडियो ले लिया है तो एडिट करना पड़ेगा। तो चलिए आप थोड़ी ग्रोसर बनाए, तब तक मैं आपका वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। ओके मम्मी ने खाना बनाना शुरू कर दिया है और आज शाम का मम्मी का वीडियो अपलोड करना बाकी है। कीर्तन मैंने ले लिया है तो वो काम करना बाकी है, तो वो काम कर लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद दर्शक जी और किंजल भी आ जाएंगे तो दिखाएंगे। हीराली शाक सुधारे से दूधी बटेका नू। हाँ दूधी बटेका नू। मैं फ्री हो गई थी तो मैं आ गई किचन में आपकी हेल्प करने के लिए। बाद में तो वो लोग आ जाएंगे तो किचन में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सब लोग जब भी साथ होते हैं ना तब बातचीत में ही टाइम निकल जाता है और छोटे बच्चे होते हैं साथ में, इसलिए टाइम नहीं मिलता। तब तक वो आए नहीं है तो उसके पहले हम थोड़ा खाना बना लेते हैं। आरोहिन राखी हुई ने एटले कई रसोई नो जड़ करवा दे रखी। यहाँ शाक सुधारे से पछी अहिया लोट बंधाई गयो से अने अहिया आपणे भात सड़ी रह्या छे, कफाई छे। हवे थोड़ी वार में हमणां सड़ी जाशे पछी आपणे अहिया दाळ मूकवानी छे। दाळ सड़ी जाय पछी आपणे शाक बनाववानुं छे। कविरु यस शाक रोटली पापड़। यस यस वो अभी मम्मी आलू कटिंग कर रहे हैं क्योंकि मम्मी की सूखी भाजी फ्राई करनी है, इसलिए। नहीं मम्मा हाँ यहाँ पे मैंने टमाटर कटिंग कर लिया है और कड़ी पत्ते भी ले लिए और यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है, तो पहला मम्मी की सूखी भाजी का वगार कर लेती हूँ मैं। भाजी भी बहुत मस्त वगारी सो मारा माटे काई नो घटे विषय मसालेदार पोत में बहुत झाजी नाखी है। यस दूसरी बार आएंगे और सवे सवे तो बहुत ज्यादा मैं खुश थी क्योंकि वो आने वाले थे ना, इसलिए हम साथ में रहते तो बहुत अच्छा लगता है। तो कोई नहीं मुझे थोड़ा काम आ गया है तो मैं जा रही हूँ काम बताने के लिए और फोन घर पे रखकर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी थोड़ा सा शूट कर ले रही हूँ। ओके तो चलिए मैं जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ मैं। यहाँ दाल थई गई से मारी वगार कर ली दोस्ते, बहुत मस्त दाल थई गई से अने यहाँ शाक मसाला वालू थई गयू से बहुत मस्त कोथमी नाखी सरस चटाकेदार दूधी बटेका नो। अहीं मैं बरस सेव बनाई थी, वीरालीन पप्पा ने फोन आयो तो कि बरस सेव खावी से आजे, एटले मैं बरस सेव बनाई से बहुत मस्त चटाकेदार घीमा लतपस्ती बहुत सरस सेव बनाई। तो तमने कोई ने भावती हो तो कमेंट में कहजो लखजो कि अमने सेव बरस सेव बहुत भावे से। अहीं मारी रोटली तैयार थी गई से तो भगवान माटे थाळ तैयार करू छूं अने पछी थाळ बताऊं। मैं भगवान नो थाळ बहुत मस्त तैयार कर्यो छे, शाक रोटली दाळ भात दही बरस सेव अने पापड़ अने सूकी भाजी बहुत मस्त थाळ तैयार कर्यो छे भगवान नो। मैं अहीं तो भगवान ने थाळ जमाडवा जाऊं छूं
हेलो फ्रेंड, मैं मेरा काम फिनिश करके आ गई हूँ और मम्मी ने मस्त लोगों का थाल भी लगा दिया है। मैं और मम्मी दोनों हैं, पापा लेट आए हैं इसलिए तो हम खाने के लिए बैठ जाते हैं और दोपहर के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे हम। ये वाली ये थी हां अशोक मोड़ थे आज। हां बे वाजी गया आ हूं लेवा मूला से। ओहो बहुत मोटा मूला है। तो चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो रूम से बाहर आई तो यहाँ पे मैंने मम्मी को देखा है बैठे हुए। तो क्या कर रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो चलिए यस, यहाँ पे मम्मी मस्त सेवड़ी खा रहे है क्योंकि आज पाचम है। तो दोपहर तो सूखी भाजी सिर्फ खाई थी, वापस भूख लग गई होगी नहीं मम्मी? सरस है ना पापा, बीजी वाले बद नत खवानी होवे। हां खाऊ नहीं रहते बीजी हूं। होवे तू आले खावा कड़ी, वीडियो एडिट करन बाकी से जी थोड़ो फस थी जाए। हां ई तो वेला मोड़ मारज करवान रहे। अरे खाई मजा आवे ने। हालो जोई सी होवे, तमे खाई लियो त्यारे। हां या पे मारा विशु खाने के लिए बैठ गया है। हेलो विशु। हां और या पे पापा भी खाने के लिए बैठ गए। पापा आप क्यों खाली बड़े तेल खा रहे हैं? माल मलज खावानो। आसो कुछ नहीं खाओ। यो इसलिए यहाँ पे पापा माल माल खा रहे है। और मम्मी आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हमको दूध बनाने वाले है। किसके लिए? हमारे लिए। मम्मी को पाचम है इसलिए यहाँ पे मम्मी के लिए शुगर वाला दूध बनाया है। तो चलिए फ्रेंड, सब लोग खा रहे हैं तो मैं भी कब खाने के लिए बैठ जाती हूँ। वीडियो का एंड करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।